वेलकम माई वेरी वेरी प्रीशियस जेमिनाइज। तो जेमिनाइज, ये जो आपकी रीडिंग है, ये रीडिंग है करंट फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन। तो इस रीडिंग में हम जानने की कोशिश करेंगे कि जिस पर्सन से आप डील कर रहे हैं, जिन्हें आप पसंद करते हैं, जो पर्सन आपकी एनर्जी फील्ड में बहुत ही ज़्यादा डोमिनेंट है, वो एग्जैक्टली आपके बारे में क्या फील करते हैं, क्या इमोशंस रखते हैं और आपके टूवर्ड्स क्या एक्शन ले सकते हैं। ओके जेमिनाइज, और एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि ये एक जनरल प्रिडिक्शन है जेमिनाइज, तो शायद आप रिलेट करें, शायद आप रिलेट ना करें, तो टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। अगर मैं कोई ऐसी बात बोलती हूँ जो आपको पसंद नहीं आती है, या फिर आप ट्रिगर हो जाते हैं, या फिर आपको सुनने में अच्छी नहीं लगती है, इसका मतलब ये है कि ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। तो उन सब बातों को दिल पे लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और आई रियली होप एंड आई रियली विश कि आप सभी अच्छे स्टेट ऑफ माइंड में होंगे जेमिनाइज, खुश होंगे, और जो भी आपको मार्च की में गाइडेंस मिली है लव लाइफ और करियर रीडिंग में, उसको फॉलो कर रहे होंगे, आई रियली होप सो। और अगर आपने अपने मार्च की लव लाइफ और करियर रीडिंग नहीं देखी है, तो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको टाइम स्टैम्प दे दूंगी जेमिनाइज, आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि आपके पर्सन की ओवरऑल लाइफ की एनर्जीज क्या है जेमिनाइज, वो किस एनर्जी में स्टैंड कर रहे हैं, वो कैसा फील कर रहे हैं, उनकी लाइफ में क्या कुछ चल रहा है, वो सब सबसे पहले हम जानेंगे, और उसके बाद हम आपके लिए फीलिंग्स और इमोशंस देखेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट कार्ड वी हैव इज़ द एम्परर। ओ वाओ, बहुत ही अच्छे कार्ड्स हैं दोनों। ओ यहाँ पे द एम्प्रेस है, उसके बाद द एम्परर भी है, और बीच में स्ट्रेंथ है। वाओ, बहुत ही पावरफुल एनर्जी में आपके पर्सन स्टैंड करते हुए दिख रहे हैं जेमिनाइज, और ऐसा लग रहा है कि कुछ चैलेंजेस आए थे इनकी लाइफ में, जिन चैलेंजेस को इन्होंने बहुत ही सक्सेसफुली ओवरकम किया है। मतलब कुछ प्रॉब्लम्स आई थी लाइफ में, और उन प्रॉब्लम्स को फेस किया है अपने पावर में स्टैंड करके, अपने कॉन्फिडेंस के साथ में। तो ऐसा लग रहा है किसी ऐसे फेस से निकल रहे हैं जहाँ पे इन्होंने टफ टाइम देखा है, और ये दोनों कार्ड को देख के समझ में आ रहा है कि पूरे तरीके से अपने पावर में स्टैंड करें, काफ़ी अच्छा फील करें, कॉन्फिडेंट फील करें। और यहाँ पे मैच्योर, बहुत ही ज़्यादा मैच्योर एनर्जी में भी जेमिनाइज आपके पर्सन दिख रहे हैं। मतलब कि ऐसा लग रहा है कि लाइफ की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इन्होंने लेके रखी हुई हैं, और अपनी फैमिली की हेल्प करें, शायद अपनी फ्रेंड्स की हेल्प करें, या फिर करियर में किसी ऐसी जगह पे स्टैंड कर रहे हैं जहाँ पे ये लोगों को इंस्ट्रक्शंस देते हैं, या फिर लोगों को कोच करते हैं या ट्रेन करते हैं। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं लाइफ में जिन्हें ये अपने पावर में या अथॉरिटी में स्टैंड करके हैंडल कर रहे हैं। तो घर की सिचुएशंस भी हो सकती हैं, या फिर कुछ करियर से रिलेटेड भी हो सकता है। तो जब द एम्प्रेस आता है तो बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ भी बताता है कि लाइफ में बहुत ज़्यादा ग्रोथ चल रही है, और जिस लेवल पे अभी तक थे उससे नेक्स्ट लेवल पे आपके पर्सन जाते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पे किसी तरीके का फाइनेंशियल अबंडेंस भी इनकी लाइफ में आता हुआ दिख रहा है जेमिनाइज। तो काफ़ी ग्रोथ है, मैच्योरिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, और अच्छा करते हुए अपनी लाइफ में दिख रहे हैं। उसके बाद टेन ऑफ सॉर्ट्स है, ये जो डिफ़िकल्टी थी ये किसी एंडिंग से रिलेटेड है, मतलब लाइफ का कुछ पार्ट है जो एंड हुआ है। और देखिए यहाँ पे टेन ऑफ सॉर्ट्स है और यहाँ पे सिक्स ऑफ सॉर्ट्स है। यहाँ पे ये जो स्ट्रेंथ का कार्ड आए इसीलिए आया है क्योंकि लाइफ के किसी पार्ट में एंडिंग हुई है। तो कुछ इन्होंने डिफ़िकल्ट फेज देखा है, या तो अपनी पर्सनल लाइफ में या प्रोफेशनल लाइफ में, उसको ही यहाँ पे इतने ब्यूटीफुल तरीके से हैंडल करते हुए दिख रहे हैं, और इसी चीज़ से ये निकल भी रहे हैं। देखिए ये जो टेन ऑफ सॉर्ट्स से जो एंडिंग हुई है उससे ये बाहर निकलते हुए अब दिख रहे हैं, मतलब बेटर प्लेस पर जाते हुए दिख रहे हैं। तो अगेन कुछ लाइफ में लेसन्स मिले हैं, कुछ पुराने कर्माज इन्होंने रीपे किए हैं। देन वी हैव क्वीन ऑफ वांड्स, इनके आसपास लोग भी बहुत सारे दिख रहे हैं, और ऐसा लग रहा है कि इनके लिए कुछ फ्रेंड्स हैं और फैमिली है जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब ये जो क्वीन ऑफ वांड्स की यहाँ पे एनर्जी दिख रही है जेमिनाइज, ये आपसे भी रिलेटेड हो सकती है, हम आगे जाके जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ये आपसे रिलेटेड है। बट इनकी लाइफ में कोई पर्सन दिख रहा है जो इन्हें पसंद करता है या जो इन्हें सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि अभी हम इनकी ओवरऑल लाइफ देख रहे हैं जेमिनाइज, तो ये पर्सन हो सकता है कोई फ्रेंड भी हो या फिर कोई फैमिली का मेम्बर भी हो। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है इस इनकी ओवरऑल लाइफ की रीडिंग में कि ये किसी के साथ में पावर कपल दिख रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि
ये आप दोनों हैं जो यहाँ पे द एम्परर और द एम्प्रेस के तरह दिख रहे हैं इनकी लाइफ में. हम आगे जानने की कोशिश करेंगे. बट अगेन, एक लाइफ का ऐसा पीरियड आ रहा है जहाँ पे मेच्योरिटी आ रही है, स्टेबिलिटी आ रही है, अबंडेंस आ रहा है, यू नो, कनेक्शन प्रॉपर से फॉर्म हो रहा है कुछ लोगों के साथ में. और ये जो फेस आया है जो कि बहुत ज़्यादा पॉजिटिव दिख रहा है, वो एक नेगेटिव फेस के बाद में आया, यू नो, तो किसी नेगेटिविटी से निकले हैं, उसके बाद अपने पावर में स्टैंड करते हुए दिख रहा है. यहाँ पे द मून भी है. द मून यहाँ पे ये बता रहा है जेमिनाइज के कुछ चीज़ें लाइफ में ऐसी चल रही हैं जिनका क्या कंक्लूजन निकलेगा समझ में नहीं आ रहा है. तो किसी चीज़ में थोड़े से अनसर्टन दिख रहे हैं. लाइफ का कुछ पार्ट है जहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है कि फ्यूचर में क्या होगा. तो थोड़ा सा हो सकता है आपकी पर्सन फ्यूचर को लेके टेंशन में हो, या तो अपनी लव लाइफ से रिलेटेड फ्यूचर से को लेके टेंशन में हो, या फिर फैमिली से रिलेटेड. ये कुछ पर्सनल इश्यू दिख रहा है जो द मून की एनर्जी में हमें दिख रहा है. तो कुछ इश्यूज हो सकते हैं जो फैमिली से रिलेटेड हैं जिन्हें ये रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो, या फिर ये रोमांटिक कनेक्शन आपके साथ हो सकता है जिसे ये रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो. तो कुछ कुछ यहाँ पे प्रॉब्लम अभी भी है और हम जानने की कोशिश करते हैं कि क्या वो प्रॉब्लम आपसे रिलेटेड है. आई एम रियली विशिंग एंड होपिंग कि ये जो द एम्प्रेस और द एम्परर आए हैं, ये आप दोनों को रिप्रेजेंट कर रहे हो. सो चलिए देखते हैं कि आपके लिए एग्जैक्टली ये पर्सन क्या फील करते हैं, क्या इमोशंस हैं इनके आपके लिए, क्या एक्शन ले सकते हैं आपके टूवर्ड्स. यूनिवर्स प्लीज गिव अस सम क्लियर मैसेजेस. हम ये भी देखने की कोशिश करेंगे कि आपको किस तरीके से ये पर्सन देखता है, क्या आप टाइप है आपका, मतलब एज ए पर्सनैलिटी आपको कैसे ये पर्सन देख रहे हैं. सो लेट्स गो. टू ऑफ वांड्स, सिक्स ऑफ कप्स, ओके, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स. आपको क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की तरह देख रहे हैं. जजमेंट, द वर्ल्ड एंड फाइव ऑफ वांड्स. ओके, सबसे पहले तो यहाँ पे जो आर्क टाइप आया है वो क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का आर्क टाइप आया है. एक बात मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी जेमिनाइज कि आपके पर्सन आपको क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की तरह देखते हैं. क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी जेमिनाई, लिब्रा और एक्वेरियस की एनर्जी होती है. तो आप सबसे पहले तो इनकी एनर्जी फील्ड में काफ़ी डोमिनेंट दिख रहे हैं. आप राइट अवे इस कार्ड के थ्रू इस रीडिंग में आए हैं, मतलब कि आप एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हैं अभी इनकी, यू नो, एनर्जी फील्ड का, डोमिनेंट हैं. आपके बारे में ये सोचते हैं, आपके साथ बिताया हुआ टाइम सोचते हैं, अच्छा टाइम, बुरा टाइम, जो भी टाइम है उसके बारे में ये पर्सन बहुत ज़्यादा सोचता है. और हो सकता है कि आपको क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की तरह देखना, मतलब कि हो सकता है कि आपका जो, देखिए जब क्वीन ऑफ सॉर्ट्स आती है ना, तो क्वीन ऑफ सॉर्ट्स कभी कभी तो बहुत स्वीट होती है और कभी कभी बहुत ज़्यादा रूड हो जाती है, यू नो. तो क्वीन ऑफ सॉर्ट्स को लगता है कि कुछ कोई इंसान उसके साथ गलत कर रहा है, तो बहुत जल्दी रिएक्ट करती है. तो हो सकता है कि आप दोनों के बीच में जब बस सीरियस डिस्कशंस होते हों या फिर कुछ डिबेट होती हो, तो आप अपना पॉइंट बहुत ही स्ट्रांगली इस पर्सन के सामने रखते हों. उसके साथ उस कारण हो सकता है इस पर्सन को लगता हो कि कभी कभी आप रूड हो जाते हैं. तो दो टाइप की एनर्जीज यहाँ पे दिख रही है जेमिनाइज. एक तो ये है कि कभी कभी आप बहुत अच्छे से इनसे बात करते हैं, बट कभी कभी थोड़े से आप रूड हो जाते हैं या फिर अपने ओपिनियंस बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली रखते हैं. तो इसीलिए यहाँ पे क्वीन ऑफ सॉर्ड्स आया है. अब यहाँ पे दो कार्ड्स जो आए हैं, एक टू ऑफ वांड्स का कार्ड है. टू ऑफ वांड्स का कार्ड बहुत आता है लव रीडिंग में आजकल, तो मैं बहुत कुछ ज़्यादा ही इस कार्ड को देख रही हूँ. टू ऑफ वांड्स का कार्ड अक्सर ये बताता है कि जो हम दिमाग में फील कर रहे हैं एग्जैक्टली वैसे हम एक्शंस नहीं ले रहे हैं. और टू ऑफ वांड्स का कार्ड होता है कि दो पाथ में से एक पाथ चूज करना, बहुत ही सोच समझ के एक डिसीजन लेना. जब टू ऑफ वांड्स आता है और अगर ये आपके लिए इमोशंस में टू ऑफ वांड्स फील कर रहे हैं, मतलब ये बहुत ही सीरियसली इस कनेक्शन के बारे में सोच रहे हैं कि इस कनेक्शन का मुझे क्या करना है, क्या मुझे इस रास्ते पे आगे बढ़ना है, क्या मुझे जेमिनाइज के साथ आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना है, ये बहुत ज़्यादा इनके दिमाग में चल रहा है. तो अगर टू ऑफ वांड्स आपके लिए फील कर रहे हैं, मतलब कि आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, इस कनेक्शन के बुरे एस्पेक्ट्स, इस कनेक्शन के अच्छे एस्पेक्ट्स, क्या अच्छी चीज़ें हो सकती हैं, क्या बुरी चीज़ें हो सकती हैं, पास्ट में क्या गलत हुआ है, क्या सही हुआ है, ये अक्सर मिक्स्ड इमोशंस होते हैं. और ये मिक्स्ड इमोशंस तब आते हैं जब हम एक डिसीज़न लेने की कोशिश करते हैं कि क्या हमें सच में इस रास्ते पे चलना है. तो यहाँ पे आपके पर्सन, यू नो, इट्स लाइक
दिस पर्सन इज़ वन डिसीजन अवे फ्रॉम यू, मतलब ये अभी भी डिसाइड करने वाली फेज में चल रहे हैं कि इन्हें आपके साथ आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना है, किस तरीके से आगे बढ़ना है, आगे बढ़े तो क्या पॉजिटिव चीज़ें होंगी क्या नेगेटिव चीज़ें होंगी, ये बहुत ज़्यादा इस पर्सन के दिमाग में चल रहा है और थोड़ा सा लैक ऑफ एक्शन है यहाँ पे, क्योंकि अभी बस दिमाग में थॉट्स में बहुत सारी चीज़ें चल रही है, शायद एक्शन में उतना ज़्यादा नहीं चल रहा होगा। इवन दो मुझे यहाँ पे टू ऑफ वांड्स के साथ में सिक्स ऑफ कप्स का कार्ड दिखा है, सिक्स ऑफ कप्स का कार्ड अगर इमोशंस और फीलिंग्स में आ रहा है, मतलब कि इनके डिज़ायर है कि आपसे मिलें, आपसे बातें करें, आपके साथ में डेट पे जाएं या फिर अपनी फीलिंग्स आपको बताएं। जब सिक्स ऑफ कप्स का कार्ड आता है तो बहुत ही इनिशियल स्टेज बताता है किसी रिलेशनशिप का। सिक्स ऑफ कप्स दो सिनारियोज में आता है जेमिनाइज। एक सिनारियो ये होता है कि आप अभी अभी इस पर्सन से मिले हैं और अभी अभी आप लोगों की बातें होना शुरू हुई है और ये बहुत ही इनिशियल स्टेज है कनेक्शन की। और दूसरे सिनारियो में तब आता है जब आप लोगों ने बहुत समय से बात नहीं की हो, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही हो, तब भी ये कार्ड आता है जो इस पर्सन का डिज़ायर बताते हैं कि अब ये चाहते हैं कि वापस से बात होना शुरू हो जाए। एक चीज़ जो मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है वो ये है कि आप दोनों का कनेक्शन अभी इस फेज में चल रहा है जहाँ पे बहुत ज़्यादा कोई बहुत ही स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट आपको इस पर्सन की साइड से अभी नहीं दिखा होगा। शायद इन्होंने ऐसा नहीं बोला होगा शायद कि हाँ मुझे आपके साथ ही रहना है, मुझे आपसे ही शादी करनी है, ये करना है वो करना है, अभी उस लेवल पे ये कनेक्शन नहीं दिख रहा है। चाहे आप नो कॉन्टैक्ट में हो, चाहे आप रिकन्सिलेशन सीख कर रहे हो, चाहे ये कोई नया एकदम कनेक्शन हो कि आप किसी पर क्रश कर रहे हैं, किसी को पसंद कर रहे हैं, उन सारे सिनारियोज़ में एक चीज़ दिख रही है कि अभी आप बहुत ही इनिशियल स्टेजेस में हैं। ओके, बट इस पर्सन के जो इंटेंशन है आपके लिए वो सिक्स ऑफ कप से बहुत ही प्योर दिख रहे हैं कि आपके साथ बात करनी है, मिलना है, आपको और बेहतर तरीके से समझने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे, यू नो। सो अगेन, बहुत ही इनोसेंट सी एनर्जी है। अब यहाँ पे बहुत ही मेन और इम्पॉर्टेंट दो कार्ड्स हैं, तीन कार्ड्स हैं इनफैक्ट इनके इमोशंस में। सबसे पहले जजमेंट है। जजमेंट अक्सर तब आता है जब हमें एक अपॉर्चुनिटी मिली होती है पर उस अपॉर्चुनिटी को हमने खो दिया होता है या फिर किसी तरीके से हमने मैसअप कर दिया होता है, यू नो। तो इट्स लाइक कि यूनिवर्स ने एक पर्सन हमारे सामने भेजा है, हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है कि उस पर्सन के साथ हम अच्छा कनेक्शन फॉर्म करें, पर फॉर सम और द अदर रीज़न हम उस पर्सन को इतनी वैल्यू नहीं देते हैं या फिर हमारी फीलिंग्स उसके लिए, उस पर्सन के लिए इतनी ज़्यादा स्ट्रांग उस टाइम पर नहीं होती है, तो कई बार हम उस अपॉर्चुनिटी को छोड़ देते हैं या फिर उसका पूरा फ़ायदा नहीं उठाते हैं। और जजमेंट तब आता है जब हमें उस कनेक्शन में एक सेकेंड चांस मिल रहा होता है। तो यहाँ पे जजमेंट अगर आया है तो ये बहुत ही अच्छी न्यूज़ है आपके आपके कनेक्शन के लिए। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि एक एक नई शुरुआत होगी या फिर एक और सेकेंड चांस मिलेगा आपके कनेक्शन को। वाओ, आपके कनेक्शन को बहुत तेज़ बारिश हो रही है। आपके कनेक्शन को एक सेकेंड चांस मिलेगा जिससे कि कनेक्शन आगे जा सके या फिर ब्लूम कर सके। और ये क्योंकि इनके फीलिंग्स और इमोशंस में आया है, मतलब ये पर्सन आपके साथ में कोई सेकेंड चांस सीक करना चाहते हैं। हो सकता है कि पहले आप दोनों की मतलब पहले हो सकता है आपने इंटरेस्ट दिखाया हो, इन्होंने इंटरेस्ट नहीं दिखाया हो उस टाइम पे, या फिर कुछ कुछ ऐसा सिनेरियो दिख रहा है कि एक बार पहले चांस था इस पर्सन के पास में कि ये कनेक्शन एक फुल पोटेंशियल तक पहुंच सके, बट शायद आपने या इस पर्सन ने उस चांस का फ़ायदा नहीं उठाया और अब ये वापस से उस चांस को सीक कर रहे हैं या फिर आपके कनेक्शन को वो चांस मिल रहा है। तो आई होप आप समझ गए हो जजमेंट का मतलब। जजमेंट का मतलब होता है सेम कनेक्शन में सेकेंड चांसेस। तो ये पर्सन सीक करते हुए दिख रहे हैं। मुझे लग रहा है एक चीज़ जो इस पर्सन को बॉदर करती है वो आप दोनों की कम्युनिकेशन का तरीका हो सकता है, या फिर हो सकता है कि पास में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हो या फिर कुछ ना कुछ। ये क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का जो मैसेज है ये बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन से रिलेटेड है कि जैसे हमने जैसा एक्सपेक्ट किया था वैसे बातें नहीं हुई, या फिर जो मैंने एक्सपेक्ट किया था उस तरीके से मुझे रिस्पॉन्स नहीं मिला, यू नो। तो कुछ ऐसी चीज़ें दिख रही हैं। अब यहाँ पे द वर्ल्ड कार्ड भी है। द वर्ल्ड कार्ड अगेन एक फुल सर्कल आना, एक सर्कल का ख़त्म
होना या फिर एक साइकिल का खत्म होना बताता है जेमिनाइज। तो यहाँ पे द वर्ल्ड से समझ में आ रहा है कि आप दोनों के कनेक्शन का एक नया फेज शुरू होने वाला है, और यहाँ पे किसी तरीके की एंडिंग भी हमने इनकी ओवरऑल लाइफ में देखी थी। और यहाँ पे द वर्ल्ड कार्ड है, उसके साइड में जजमेंट है, तो जजमेंट अगर सेकेंड चांसेस दिखा रहा है तो वर्ल्ड भी एक नई साइकिल शुरू होना बता रहा है। तो हो सकता है कि आप दोनों का कनेक्शन जो है वो एक नए तरीके से शुरू हो, एक नए सिरे से शुरू हो, वो हमें द वर्ल्ड बता रहा है। और द वर्ल्ड एक चीज़ और बताता है, जैसे आप द वर्ल्ड कार्ड देखोगे तो पर्सन कितना खुश है और ऐसा लग रहा है इस पर्सन को वो चीज़ मिल गई है जो वो ये पर्सन ढूंढ रहा था। तो आई गेस कि आप इनकी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ लेके आते हो, या फिर आप इन्हें लाइफ का एक नया पर्सपेक्टिव देते हो, आपसे बात करके इन्हें अच्छा लगता है, कुछ अलग सा महसूस होता है, कुछ अलग सा फील होता है, वो यहाँ पे दिख रहा है। और उसके बाद है फाइव ऑफ वांस। आई डोंट नो आना इतना ज़रूरी क्यों है, बिकॉज सारे अच्छे इमोशंस में फाइव ऑफ वांस जब आ जाता है तो मुझे बहुत बुरा लगता है। फाइव ऑफ वांस कॉन्फ्लिक्ट का कार्ड है, ये कॉन्फ्लिक्ट दूसरों के द्वारा क्रिएट किया हुआ कॉन्फ्लिक्ट है। तो ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में कुछ बातें हुई हैं जो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी, कुछ प्रॉब्लम्स आपके कनेक्शन में क्रिएट हुई है, पर ये प्रॉब्लम क्रिएट ना आपने की है ना इस पर्सन ने की है, इसमें बहुत बड़ा हाथ किसी थर्ड पर्सन का है। अब वो थर्ड पर्सन कौन हो सकता है, वो कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, आपके पर्सन के पेरेंट्स हो सकते हैं, आप दोनों की लाइफ में हो सकता है कोई ऐसा पर्सन हो, मतलब हो सकता है आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन हो जिसे आपके पर्सन पसंद नहीं करते हो, या फिर उनकी प्रेजेंस आपकी लाइफ में इन्हें अच्छी नहीं लगती हो, तो इसीलिए हो सकता है फाइव ऑफ वांड्स आए। मतलब फाइव ऑफ वांड्स बता रहे कि कुछ काम, मतलब कुछ बिगड़ा है आप दोनों के कनेक्शन में, और उसका रीज़न कोई थर्ड पर्सन या कोई थर्ड सिचुएशन है। अब कुछ भी हो सकता है, कई बार ये कार्ड तब भी आता है जब हमारे पर्सन हमें तो बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं पर हमारे फ्रेंड्स को या फैमिली को बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं। तो हो सकता है कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग हों जिन्हें पर्सन पसंद नहीं करता हो। जेमिनाइज राइट, आई एम गोना टेक फ्यू मोर कार्ड्स, हम और देखते हैं कि और ये क्या फील करते हैं। स्पेशली हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि आपके टूवर्ड्स क्या एक्शन ले सकते हैं। सो यूनिवर्स गिव अस सम मोर साइंस क्लूज। ओके यूनिवर्स, शो अस क्लियरली। सिक्स ऑफ पेंटिकल, थ्री ऑफ सॉर्ड्स, पेज ऑफ वांड्स, द हर्मिट एंड सिक्स ऑफ सॉर्ड्स दोबारा से आया है। ओके, दिस इज मेकिंग सेंस। जेमिनाइज, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन को थोड़ा सा स्पेस चाहिए और थोड़ा सा टाइम चाहिए इनकी लाइफ की कुछ चीज़ों को फिगर आउट करने का। मतलब कि यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पर्सन थोड़े से ना कंफ्यूज्ड स्टेट ऑफ माइंड में है अभी अपनी लव लाइफ को लेके, या फिर अपने ओवरऑल लाइफ को लेके। ऐसा लग रहा है कि अभी ये अपनी लाइफ में थोड़ा सा अलग थलग रह रहे हैं, बहुत ज़्यादा लोगों से बात नहीं कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा लोगों से कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, प्लस बहुत ज़्यादा लोगों को अपनी फीलिंग्स नहीं बता रहे हैं क्योंकि ये किसी बात से हर्ट हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि ये जो हर्ट है या फिर ये जो पेनफुल एनर्जी है इनकी लाइफ में आप लेके आए हो, पर फॉर सम रीज़न यहाँ पे ये पर्सन हर्ट दिख रहा है किसी चीज़ से। और जैसा मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि इनकी लाइफ में कुछ पर्सनल इश्यूज चल रहे हैं, वो इश्यूज हो सकता है कि फैमिली से रिलेटेड हो, आपसे रिलेटेड हो, या फिर किसी से भी रिलेटेड हो। यहाँ पे ये हार्ट ब्रोकन दिख रहे हैं, मतलब कि ज़रूरी नहीं है ये हार्ट ब्रेक इन्हें रोमांटिक कनेक्शन में मिला हो, पर किसी चीज़ से ये डिसअपॉइंटेड हैं लाइफ में, और उस चीज़ से डिसअपॉइंटेड होने के कारण ये अभी द हर्मिट फेज़ में दिख रहे हैं। मतलब कि हीलिंग वाले फेज़ में, रिकवरी वाले फेज़ में, थोड़ा सा अलग थलग रहने वाले फेज़ में आपके पर्सन दिख रहे हैं, जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोगों को अपनी फीलिंग्स नहीं बता रहे हैं या फिर खुल के किसी से बात नहीं कर रहे हैं। ओके, बट एट द सेम टाइम यहाँ पे जैसे हमने देखा था कि आपके पर्सन टेन ऑफ सॉर्ड्स से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पे
वैसे ही सिक्स ऑफ सॉर्ट्स वापस से आया है, तो ये हर्मिट फेस से आपके पर्सन बहुत ही जल्दी यहाँ पे भी निकलेंगे। तो मुझे लग रहा है कि ये जो इनका फेज है जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोगों से बातें नहीं कर रहे और अपनी फीलिंग्स नहीं बता रहे, ये फेज बहुत ही टेम्प्रेरी है। पर अगर अभी आपके पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा बात नहीं कर रहे, मिल नहीं रहे, तो उसका रीज़न ये हो सकता है कि कुछ टाइम अपने साथ बिताना चाहते हैं या फिर सोल सर्चिंग में बिताना चाहते हैं, तो वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। एंड आई एम सॉरी, मुझे अचानक से बहुत तेज़ बोलना पड़ रहा है बिकॉज़ बैकग्राउंड में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस आ रहा है। और सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पे तीन कार्ड्स आए हैं जो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव हैं जेमिनाइज, जो कि बता रहे हैं कि अगर ये ऐसे फेज़ में हैं जहाँ पे आपसे बहुत ज़्यादा बात नहीं कर रहे हैं, तो ये वाला जो फेज़ है इनका जेमिनाइज, ये बहुत ही ज़्यादा टेम्प्रेरी फेज़ है बिकॉज़ यहाँ पे सिक्स ऑफ वांस है। सिक्स ऑफ वांस ये बता रहा है कि ये बहुत ही ज़्यादा लाइफ के अप्स एंड डाउन से गुजरेंगे, शायद ऐसे भी टाइम से गुजरे जहाँ पे इन्हें आपसे रिलेटेड कुछ डाउट्स आए मन में, इस कनेक्शन से रिलेटेड कुछ डाउट्स आए मन में, बट एट द एंड ऑफ द डे ये आपके टूवर्ड्स आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। जब सिक्स ऑफ वांड्स आता है तो बताता है कि बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स के बाद में, बहुत सारे उतार चढ़ाव के बाद में ये पर्सन फाइनली आपके टूवर्ड्स आगे बढ़ रहा है। तो हम जो यहाँ पे देख रहे हैं कि इन्होंने ब्रेक लिया हुआ है या फिर खुद में ज़्यादा रह रहे हैं, आपसे कुछ बातें बहुत ज़्यादा नहीं कर रहे हैं, तो वो चीज़ यहाँ पे बदलते हुए भी दिख रही है। और यहाँ पे एक्शन में सिक्स ऑफ पेंटिकल भी आया है। सिक्स ऑफ पेंटिकल का मतलब होता है कि आपको ये इक्वल गिव एंड टेक देना चाहते हैं, मतलब कि अगर अभी तक ऐसा हुआ है कि आपने हमेशा इनसे अच्छे से बात की है और इन्हें सपोर्ट किया है, इनकी केयर की है और अपनी ट्रू, एकदम डीप और ट्रू फीलिंग्स इन्हें एक्सप्रेस की है जेमिनाइज, तो ये भी आपको सेम चीज़ रिटर्न में देना चाहते हैं। तो यहाँ पे सिक्स ऑफ पेंटिकल बता रहा है कि सूनर और लेटर, या तो अभी होगा या फिर कुछ दिनों बाद होगा, पर ये पर्सन वापस से आपके पास आएगा अगर बात नहीं कर रहा है तो। अगर ऑलरेडी आपसे बात कर रहा है तो हो सकता है कि अभी, अगर अभी आपको बहुत ज़्यादा डीप फीलिंग्स नहीं बताई है, पर बहुत ही जल्दी फ्यूचर में आपको अपनी डीप फीलिंग्स ये पर्सन बताएंगे। तो अभी ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा खुल के अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, थोड़ा अलग अलग से रह रहे हैं, बट ये बहुत ज़्यादा टाइम तक नहीं चलेगा, दिस विल चेंज। और उसके बाद हमारे पास आया है पेज ऑफ वांड्स का कार्ड, और पेज ऑफ वांड्स का कार्ड अगेन बहुत टाइम के पॉज के बाद किसी के टुवर्ड्स आगे बढ़ना होता है। एक थीम में जो यहाँ पे पूरी रीडिंग में आपके देख रही हूँ कि यहाँ पे एक पॉज दिख रहा है आप दोनों के कनेक्शन में। अगेन पेज ऑफ वांड्स क्या बता रहा है, एक पॉज के बाद में, मतलब ये हर्मिट वाले फेस के बाद में ये कनेक्शन आगे बढ़ेगा और ये आपके टूवर्ड्स बढ़ेंगे और जैसा फील करते हैं वैसा एक्सप्रेस करेंगे। बट एट द सेम टाइम यहाँ पे हार्ट ब्रेक भी है। अब पता नहीं ये आपसे मिला है या किसी और से मिला है, राइट? तो चीज़ें यहाँ पे रिन्यू होते हुए दिख रही हैं, चीज़ें आगे बढ़ते हुए दिख रही हैं, बट एक पॉज है बीच में, थोड़ा सा ठहराव है आपके कनेक्शन में। सो चलिए अब हम ये देखते हैं कि यूनिवर्स इस कनेक्शन के बारे में क्या बोलना चाहते हैं, हमें क्या बताना चाहते हैं, कुछ और हिंट्स मिल जाए हमें या फिर कुछ और मैसेजेस मिल जाए हमें, कि यूनिवर्स गिव अस सम मोर क्लूज एंड मैसेजेस। ऑल राइट, वी हैव यू आर रेडी, ओके। देन वी हैव फॉरगिवनेस, ऑल राइट। देन वी हैव परफेक्ट टाइमिंग। ओ माई गॉड, दो कार्ड्स आए हैं परफेक्ट टाइमिंग के। तो अगर आप सोच रहे हैं कि ये सारी चीज़ें कब मैनिफेस्ट होगी, ये पर्सन कब तक पॉज लेगा, कब मेरे पास आएगा, तो बहुत ही जल्दी होने वाला है। परफेक्ट टाइमिंग का भी कार्ड बता रहे हैं कि आपका सही समय आप कनेक्शन में आ रहा है, बहुत जल्दी आ रहा है, मतलब दिस इज़ नॉट इवन लाइक कि अगले कुछ महीनों में आएगा, ये बहुत ही जल्दी आएगा। और यू आर रेडी, आप दोनों रेडी हैं इस कनेक्शन में आगे बढ़ने के लिए, मतलब चीज़ें अब जो आसपास आपकी चीज़ें हो रही हैं वो इस हिसाब से हो रही हैं कि आप इस कनेक्शन में वो आपको मिल सके जो आप एक्चुअली डिजर्व करते हैं या चाहते हैं। तो अब वो टाइम ऑलमोस्ट आ ही गया है, ये कार्ड्स बता रहे हैं हमें। और बीच में कार्ड है फॉरगिवनेस का कार्ड, फॉरगिवनेस का कार्ड बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जेमिनाइज। अगर इन्होंने पास में कुछ ऐसी चीज़ें की हैं जो गलत थी और उस कारण आपको हर्ट हुआ है, इन्होंने कुछ आपने कुछ ऐसी चीज़ें की जो गलत थी और इनको हर्ट हुआ है,
तो यहाँ पे अब वक्त आ गया है कि आप दोनों एक दूसरे को माफ़ करें और पुरानी बातों को भुलाएं। अगर आपको ही पता है कि किस लेवल पे ये सारी चीज़ें हुई हैं, और पर अगर आप इस कनेक्शन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको एनर्जेटिक लेवल पे पास्ट को से मूव ऑन करके ऐसे उस लेवल पे जाना पड़ेगा जहाँ पे आपके मन में इस पर्सन के लिए कोई ग्रज ना हो। तो फॉरगिवनेस आप दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट रहने वाली है इस कनेक्शन में। अब चलिए मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे कौन कौन से साइंस हैं। सबसे पहले तो हमें यहाँ पे से मेष राशि दिख रही है, मतलब कि यहाँ पे एरीज हैं। उसके बाद हमें यहाँ पे पाइसीज बहुत ही स्ट्रांगली दिख रहे हैं, मीन राशि। उसके बाद यहाँ पे वर्गोस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, तो यहाँ पे कन्या राशि है। उसके बाद यहाँ पे यहाँ पे जेमिनाई, लिब्रा और एक्वेरियस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हैं। तो हो सकता है आपके पर्सन भी जेमिनाई हो या फिर लिब्रा हो तुला राशि, या फिर एक्वेरियस हो कुंभ राशि। और उसके बाद यहाँ पे फायर भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, तो आपके पर्सन एरीज, लियो या सैजिटेरियस हो सकते हैं, मतलब कि मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि। और उसके अलावा भी कुछ है क्या हमारे पास? या सो अब मैं आपको अल्फाबेट्स बता देती हूँ, कौन कौन से अल्फाबेट्स हैं यहाँ पे। हो सकता है आपको आपके पर्सन का नाम मिल जाए, उनके नाम का फर्स्ट लेटर मिल जाए, या फिर आपका नाम मिल जाए, वो एक फर्दर कंफर्मेशन होगा। अच्छा, और साइंस आए हैं हमारे पास जेमिनाइज। वी हैव सैजिटेरियस, धनु राशि वापस से आई है। उसके बाद वी हैव स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि। उसके बाद हमारे पास जेमिनाई आप आए हैं, मिथुन राशि। एंड द लेटेस्ट वी हैव आर एन। अच्छा, आपको इस रीडिंग से कोई भी वैल्यू मिली हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड द नेक्स्ट नेक्स्ट लेटर वी हैव इज आई एंड जे एन एक्स वाई एन एम एस T O N C E S K O U L I Y I A D and F। तो ये सारे लेटर्स हैं जेमिनाइज, आप देख लीजिए। ऑल द बेस्ट फॉर दिस कनेक्शन, टेक वेरी वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय।